हाँ नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं, कल यानी 9 मई के डेट में दो शिफ्टों में यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो है लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ है ASM के लिए। और आपने तो शायद रिव्यू देख लिया होगा, ठीक है, अन्य YouTube चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं भी यहाँ पे जो है 100% जो भी सत्य क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके भी बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा ताकि आने वाले आगे लेवल्स में आपके काम आए। तो हमारे चैनल में अगर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मैंने जो है एक डिटेल यहाँ पर एनालिसिस किया है, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने लिखा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट में बताऊँगा कि फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहा है और उस हिसाब से आपको कैसे तैयारी करना चाहिए नेक्स्ट लेवल्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मोर कैलकुलेटिव था, यानी मैथ और रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूं, तो काफ़ी लंबे चौड़े प्रश्न आ रहे हैं, लाइक मतलब बैंकिंग और CGL लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। टाइम कंज्यूमिंग था, एक प्रश्न जो है वो पूरा कंप्यूटर भर भर के प्रश्न रह रहा था, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा था, आप प्रश्न को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर बात करें तो करंट अफेयर फर्स्ट शिफ्ट का बात करें तो अभी मैं पहले फर्स्ट शिफ्ट का पूरा बता दे रहा हूँ, फिर सेकंड शिफ्ट बताऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का अगर बात करें तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का, 2020 का प्लस 2021 का भी कुछ कुछ प्रश्न था। रीजनिंग का थोड़ा सा मैं बता दूँ, उसके बाद मैं डिटेल से बताऊँगा। बोडोमास से 6 क्वेश्चन आया था, सेटिंग अरेंजमेंट से था, जंबल से था। इसके अलावा स्टैटिक GK में रिवर डांस फॉर्म, ये सबसे पूछा जा रहा था, ठीक है। और करंट अफेयर 2021 में अगर बोलें तो जनवरी फरवरी का करंट अफेयर भी कुछ कुछ इसमें शामिल था। आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे थे, जनरल साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन थे, इतिहास से 2 क्वेश्चन था, अवार्ड्स से था क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स पूछा जा रहा था, इंडेक्स से पूछा जा रहा था। और करंट अफेयर बात करें तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी डीपली करंट अफेयर पूछा जा रहा था, ठीक है। और करंट अफेयर काफ़ी हाई लेवल का था ये कह सकते हैं। फिजिक्स से केवल 1 या 2 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले थे, ठीक है। इसके अलावा 2011 का जनगणना जो हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आर्टिकल 239 पूछा गया था DRDO के बारे में, इन्वायरमेंटल के बारे में, इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में, IPCC का फुल फॉर्म पूछा गया था, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था, बजट से भी क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से था। इसके अलावा अगर हम लोग मैथ्स का बात करें तो डेसिमल से प्रश्न था, फ्रैक्शन, HCF, परसेंटेज, मैंजुरेशन 2D, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 क्वेश्चन था, एलजब्रा से भी आपको क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से प्रश्न आया था, ट्रिगोनोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है, एक एक करके मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता। तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसा नहीं कि मैथ सेक्शन अलग रहेगा, रीजनिंग अलग रहेगा, GK GS अलग रहेगा, ऐसा नहीं, मिक्स था, मतलब कभी भी आपका कभी भी मैथ का बीच में क्वेश्चन आ जा रहा था तो कभी रीजनिंग का, इस तरह से क्वेश्चन रह रहा था, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा जो है फर्स्ट शिफ्ट के बारे में डिटेल से थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पर देखें तो मैंने जैसा कि बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 10 से 12 क्वेश्चन आपके साइंस के देखे थे और मॉडरेट लेवल के साइंस से क्वेश्चन थे। pH वैल्यू से पूछा गया था, पाचन तंत्र से क्वेश्चन था, विटामिन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और मैथ भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। बोडो लैंग्वेज कहाँ की भाषा ये पूछा गया था, करंट अफेयर 2020-21 का पूछा गया था, आर्टिकल मैंने अभी बताया आपको। अब थोड़ा सा मैथ के बारे में बताएं तो मैथ्स में आपका जो है यहाँ पे अभी रीजनिंग का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो रीजनिंग में आपका सेटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा पूछा गया था। सिलोजिज्म का बात करें तो यहाँ पे था क्वेश्चन, डायरेक्शन से था, कैलेंडर, पुरानी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे थे और साथ ही साथ एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से, ब्लड रिलेशन, एजम्पशन, कंट्री फिगर, इसके अलावा पेपर फोल्डिंग, कटिंग, हिडन इमेज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ थे। स्टैटिक GK से 15 से 16 प्रश्न देखने को मिले, जबकि साइंस से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे फर्स्ट शिफ्ट में। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब से पूछा गया था कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो HTTP इसका आंसर होगा। माजुली किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र पर है, ये पूछा गया था। एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है, जिंक का होता है, ये पूछा गया था। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मैक्सिमम किसका है, तो USA का, ये पूछा गया था। 2020 में
फिश कंजम्पशन कम करने के लिए किस राज्य में एक्वा कल्चर शुरू किया गया था, ये सारा मैं आपको अभी जीके जीएस से बता रहा हूँ। ये पूछा गया था ये तो, ये और सब्लिमेशन प्रोसेस पूछा गया था कि क्या है, यानी उधर पातन पूछा गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो पद्म विभूषण से पूछा गया था कि ये 2021 से पूछा गया था, पद्म विभूषण विजेता जिसका मई 2021 में निधन हो गया। और इसके अलावा डांस फॉर्म पूछा गया था, टोक्यो पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो अवनी लेखरा ने, ये पूछा गया था। चेस के न्यू ग्रैंड मास्टर कौन है, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये पूछा गया था। रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है पूछा गया था। साहित्य अकेडमी कब शुरू किया गया था, 1954 में पूछा गया था। उसके अलावा मई 2021 में पश्चिमी घाट में कौन सा तूफान आया था, ये आपका पूछा गया था। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट में कौन सा तूफान आया था, तो टोकाटे ये तूफान आया था, इसके बारे में पूछा गया था। नील नदी की बैकबोन किसे कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है, ये पूछा गया था। राइस ब्रैन ऑयल एंजाइम के बारे में इस तरह से पूछा गया था। इसके अलावा HDT इंडेक्स 2020 लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कौन सा देश नंबर 1 रहा, तो हांगकांग रहा था, ये पूछा गया था। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1917 को, ये पूछा गया था। परसेंटेज का सिंबल से MS एक्सेल में क्या फाइंड किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस फाइंड किया जाता है, ये पूछा गया था। अला रखा किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, तबला, ये पूछा गया था। इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021 पूछा गया था। इसके अलावा 2011 में सेंसस के अकॉर्डिंग कितने सिटीज़ हैं जिनका पॉपुलेशन मिलियन से ज़्यादा है, 53 है, आंसर पूछा गया था। SI यूनिट ऑफ चार्ज कोलंब, ये पूछा गया था। PSLV C-51 से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ये पूछा गया था, जो इंडियन ओशन पर नज़र रखेगी। उसके अलावा बता दें कि कौन से संस्था को अफ्रीका में फूड को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पुडुचेरी में रामायण के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है, ये पूछा गया था। कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा, कुमार संभवतः लिखा था, ये पूछा गया था। विष्णु के कितने अवतार हैं, 10, ये पूछा गया था। महमूद खिलजी को हरा कर किसने विजय स्तंभ बनाया, महाराणा कुंभा ने बनाया था, ये पूछा गया था। आर्टिकल 329 पूछा गया था, LI का सिंबल होता है, ये है लिथियम, ये पूछा गया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट NCST एक्ट, ये पूछा गया था। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वाइंड होता है यानी हवा होता है, ये पूछा गया था। मैथ से बात करें तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, HCF LCM से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बोडोमास से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट से 4 क्वेश्चन, टाइम वर्क से 3 क्वेश्चन, लेंदी था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, ट्रेन संबंधित था, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन, मॉडरेट था, ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन, मैजुरेशन से 2 क्वेश्चन, इसमें कोन प्लस हेमिस्फीयर के बारे में पूछा गया था, एलजेब्रा से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, एज रिलेटेड 1 क्वेश्चन टफ था, एवरेज से 2 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन, DI से आपका 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, सर्कल और टेंजेंट से रिलेटेड था, साथ ही साथ रेक्टेंगल और सर्कल से रिलेटेड था। इसके अलावा आपका रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग आपका मॉडरेट से टफ लेवल का था, जिसमें से सिलोजिज्म से 4 क्वेश्चन, कथन निसर्ग से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 7 से 8 क्वेश्चन लॉन्ग और पजल थे। इसके अलावा सीरीज से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से 3 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल एंड जम्बल्ड सीरीज से 4 क्वेश्चन, एलाजोरी से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, इस तरह से प्रश्न रहे थे। मैं आपको ये फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा मैं बता दूँ, करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन थे जो काफ़ी डीपली पूछे जा रहे थे, जो भी सारे तैयारी करके गए थे वो उनसे बिल्कुल ही अलग आया हुआ था। इसके अलावा साइंस से 6 से 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मैंने मैथ्स के बारे में बताया फर्स्ट शिफ्ट में, रीजनिंग के बारे में बताया और साथ ही साथ GKGS करंट अफेयर के बारे में भी बताया। अब आते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में बात करें तो मैथ रीजनिंग उसी प्रकार से कैलकुलेटिव रहा था। जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से 9 से 10 क्वेश्चन देखे गए थे, जिसमें से 2022, 2020, 2021 के मिक्स क्वेश्चन करंट अफेयर में थे। किसके बारे में बता रहा हूँ, सेकंड सीटिंग जो हुआ था उसके बारे में। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक से थे। माध्यिका निकालने के बारे में पूछा गया था, टाइम मैनेजमेंट के लिए
स्किप ज़रूर करें, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो टाइम ज़रूर स्किप कर लें ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है। इसके अलावा बीबीसी अवार्ड से पूछा गया था, नेपाल से कौन सी नदी निकलती है, पूछा गया था काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, यूएसबी का फुल फॉर्म, महोत्सव से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति, इन सब से पूछा गया था। इसके अलावा सीबीटी में अटेंडेंस देखा जाए तो इसमें अटेंडेंस लगभग 95% से 100% रहा था, जहाँ तक इसके बारे में मुझे पता मिला। बोर्ड स्ट्रीम जो कि आपका मैथ से क्वेश्चन है, बोर्ड स्ट्रीम से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था और हर क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा था। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि GKGS करंट अफेयर का सेक्शन से है, चंपारण 182 आर्टिकल के बारे में पूछा था। पुराना बजट से एक क्वेश्चन था शायद, ST की जनगणना कहाँ नहीं हुई थी इससे पूछा था। कल्हन ने राज तरंगिनी किस शहर के राजा के लिए लिखा, तो कश्मीर के लिए, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन था कोणार्क सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना, 13वीं शताब्दी में बना था। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा था। आर्टिकल 182 और आर्टिकल आपका 352 पूछा था। चाइना से निकलती है कौन सी नदी, तो ये पूछा गया था, तो सांगपो नदी। इसके अलावा सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने, ये पूछा था। इसके अलावा MS सुबलक्ष्मी प्रसिद्ध सिंगर कहाँ की थी, तो मदुरई तमिलनाडु की थी, ये पूछा था। इसरो और नासा ने सूर्य की विश्लेषण के लिए बनाया था, क्या बनाया था, निसार बनाया था, ठीक है। ये क्या था, एक उपग्रह था, सैटेलाइट था। फ्लैट डेफिसिट क्या है, ये पूछा था। गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ, 30 मई 1987 को पूछा था। भारत से सटा हुआ कौन सा देश भूटान है, सबसे छोटा देश है, कौन सा सबसे छोटा देश भारत से सटा हुआ, तो भूटान है, जो उसकी सीमा सबसे कम लगती है। हेपेटाइटिस ए रोग किस बॉडी पार्ट को डैमेज करता है, पूछा गया था, तो ये लीवर यकृत को डैमेज करता है। राइजोबियम किस पौधे की जड़ में पाया जाता है, पूछा गया था। अटल सुरंग किसको किसको जोड़ती है, पूछा गया था, तो मनाली लेह को जोड़ती है। पाणिनी ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, ये पूछा गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ, ये पूछा गया। कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है, पूछा गया था। बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला, पूछा गया था। अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री कहाँ खोला गया, पूछा गया था। इसके अलावा सर्वाधिक काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है, ये पूछा गया था। वर्तमान में 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमना, ये पूछा गया था। मैथ का बात करें शिफ्ट 2 में, तो नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन, टाइम वर्क से 3 क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन, हार्ड ट्रिगोनोमेट्री में 2 क्वेश्चन था, ठीक है, हाइट डिस्टेंस से। इसके अलावा अलजबरा से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, मीन मीडियम मॉडरेट से मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन, एज रिलेशन से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, मैंजुरेशन से 5 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, DI से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था मैथ्स में। रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग में आपका बैंकिंग लेवल टाइप का थोड़ा सा था, जिसमें से थोड़ा कैलकुलेटिव था। सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन, कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन, पजल से 5 क्वेश्चन जो कि टफ था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन टफ था, सीरीज से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन, इसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग से 3 क्वेश्चन। इस प्रकार से जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आगे देखता हूँ, आगे भी अगर इस प्रकार के कोई लेवल 4 का हो पाता है तो मैं एनालाइज करके आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि लेवल जो है वो काफ़ी टफ है, जहाँ 110 से 115 बनना चाहिए था विद्यार्थियों का, वहाँ पे 80 से 90 या 90 से 100 के बीच ही बना पा रहे हैं, यानी काफ़ी टफ लेवल पूछा गया लेवल 6 के लिए, ठीक है। बाकी लेवल में अगर आप क्वालिफाई हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो दोबारा कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।